नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। मैं शालिनी गोयल आज आपके सामने लेकर आई हूँ करेंट अफेयर्स का सेशन। करेंट अफेयर्स सेशन हमने आज से ही स्टार्ट किया है। अब हम आपके साथ डेली करेंट अफेयर्स सेशन डिस्कस करेंगे 6 days इन अ वीक, और संडे को हम पूरे वीक का पूरा सेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। लाइक टेस्ट समझ लीजिए आप, MCQ सेशन हम डिस्कस करेंगे, पूरा हमारा रिवीजन हो जाएगा इसी में। पूरे हफ्ते हम करेंट अफेयर्स करेंगे और फिर उसका हमारा रिवीजन भी होगा एवरी संडे। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड एंड फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट आई लैब इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब इन न्यू दिल्ली एज अ पार्ट ऑफ DBT AMTZ मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट फॉर कोविड टेस्टिंग। कोविड टेस्टिंग के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया की फर्स्ट आई लैब इन्फेक्शन डिजीज डायग्नोस्टिक लैब इनॉग्रेट की है न्यू दिल्ली में। ऑन द लाइंस ऑफ द अनाउंसमेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द 2-stage इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा के जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है 2-stage इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स। तो 41 ये आप डिजिट याद रखिएगा, 41 कोल ब्लॉक्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्टैटिक्स टेकअवेज इसमें से निकलते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी जी, सेक्रेटरी अनिल कुमार जैन। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द UN बॉडी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। इंडिया इलेक्ट हुई है नॉन परमानेंट मेंबर, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और वो सर्व होगी प्रेसिडेंट ऑफ द UN बॉडी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। ये डेट आप याद रखिएगा, अगस्त 2021 प्रेसिडेंट ऑफ द UN बॉडी, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ रीच्ड $150 billion मार्क इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट $150 billion कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL $150 billion मार्क पर पहुंच गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और इंडिया की पहली कंपनी है जो कि $150 billion मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहुंची है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी हैज़ लॉन्च्ड R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट सत्यभामा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। प्रहलाद जोशी जी जो मिनिस्टर हैं कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने R&D पोर्टल लॉन्च किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। सत्यभामा इसकी फुल फॉर्म है, ये तो ये आपको लर्न करनी ही करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उर्जीत पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी बेस्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया। He has been appointed for the period of 4 years and will replace the outgoing chairman Vijay Kelkar. Urjit Patel ji,
अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी न्यू दिल्ली में, और वो 4 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, और जिन्होंने रिप्लेस किया है विजय केलकर को। अकॉर्डिंग टू द 69th एडिशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020, विच कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस एनर्जी डाटा फॉर 2019 रिलीज्ड बाय यूके यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी BP PLC, इंडिया वॉज द सेकेंड मेजर मार्केट आफ्टर चाइना टू इंक्रीज प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन द ईयर 2019. 69th एडिशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के अनुसार, जो कि कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है एनर्जी डाटा, तो यूके के द्वारा रिलीज हुई है, जिसमें इंडिया सेकंड मेजर मार्केट है चाइना के बाद टू इंक्रीज प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन द ईयर ऑफ 2019. JSW सीमेंट अ पार्ट ऑफ JSW ग्रुप साइंड फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री, कैप्टन ऑफ इंडियाज नेशनल फुटबॉल टीम एंड बेंगलुरु फुटबॉल क्लब एज देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर देयर मार्केटिंग कंपेन लीडर्स चॉइस इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड उड़ीसा. JSW ग्रुप ने साइन किया है सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री को एज अ ब्रांड एम्बेसडर. सुनील छेत्री जो कि कैप्टन हैं फुटबॉल टीम के, और सौरभ गांगुली BCCI के करेंट प्रेसिडेंट हैं. ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन. रिसर्चर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी have developed a herbal infusion technology as a source of income for local marginal farmers in the mid Himalayas. Researcher of IIT Mandi have developed a herbal infusion technology develop ki hai IIT Mandi ke researchers ne as a source of income, jo ki source of income hai for local farmers ke liye in the mid Himalaya mein. United Nations celebrates International Day of Yoga globally on 21st June every year to raise awareness worldwide of the many benefits of practicing yoga. 21st June को International Yoga Day मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम थी 2020 की Yoga for Health, Yoga at Home. तो थीम्स वाले questions बहुत important होते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा. ऑबिचुअरी. वेतरन इकोनॉमिस्ट एंड मेंबर ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन BPR विठल बारू पास्ड अवे. ये BPR विठल बारू का फोटो दिया हुआ है, ये अभी इनकी मृत्यु हुई है. तो ये इकोनॉमिस्ट थे और मेंबर ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन. स्क्रिप्ट राइटर एंड फिल्म मेकर KR स्किद नंदन पास्ड अवे. तो ये KR श्री नंदन फिल्म मेकर और स्क्रिप्ट राइटर थे. वेतरन जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर दीनू रानादेव पास जावे. दीनू रानादेव जिनकी अभी मृत्यु हुई है हाल ही में, तो वो जर्नलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे. तो आप इनकी एक तो पोस्ट वगैरह याद रखिएगा कि ये क्या थे, इनका नाम और इनके पोस्ट, यही इससे रिलेटेड ही ऑबिचुअरी आती है. तो ये ऑबिचुअरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक या दो ऑबिचुअरी हर एग्ज़ाम में आती ही आती हैं. तो आज के ये करेंट अफेयर्स थे, आई होप कि आपको अच्छे लगे. आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको डेली के करेंट अफेयर्स के अपडेट्स मिल सकें, और वीकली MCQs का भी सेशन आपको
उसकी भी अपडेट्स मिल सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।